आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ब्रीफ पर्पस यही था कि हम जम्मू के लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि जो जम्मू के लोगों की डिमांड थी 2015 में जम्मू के लोगों ने बड़ी सीरियसली रेज की थी कि जम्मू को सेपरेट एम्स मिलना चाहिए, वो मिला। वो 5 अगस्त 2015 को ही राइटिंग में हमारे पास आ गया था। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, उस एम्स का नींव पत्थर, फाउंडेशन स्टोन रखने कोई और नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी खुद आ रहे हैं। इसलिए हम जम्मू के लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं। हमारा ये प्रयास भी रहेगा कि जो एम्स यहाँ पर बनाया गया है वो टाइम बाउंड तरीके से कंप्लीट हो। इसके लिए हम पुरुषार्थ करते रहेंगे और यूनाइटेडली पुरुषार्थ करते रहेंगे जम्मू के लोगों के हितों के लिए। इसी गर्ज के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इसका स्वागत करते हैं। हमें बुलाएं या ना बुलाएं, सबको इन्वाइट किया गया, हम वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, सुबह मोटर भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के थ्रू सरकार पे प्रेशर डेवलप किया, जम्मू 6 दिन बंद रहा। अल्टीमेटली मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो प्रधानमंत्री इस देश के नरेंद्र मोदी हैं वो जम्मू के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। और 5 अगस्त 2015 को ही जो हमें कम्युनिकेशन आ गई थी उसी में मैसेज बड़ा साउंड और क्लियर था कि जम्मू के लोगों को सेपरेट एम्स मिलने जा रहा है और उसके बाद ही हमने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ की थी। और 3 फरवरी को प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं फाउंडेशन स्टोन रखने। इसलिए कुछ कोताहियाँ किसी स्टेज पे किसी से हुई होंगी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना था जम्मू के साथ इंसाफ का, और इंसाफ भी एक ऐसा नेता जो कि इस देश का प्रधानमंत्री जम्मू के लोगों के साथ कर रही है। अभी क्या 3 तारीख देखिए, ऐसा मैंने पहले भी कहा, हमारा जो ब्रीफ था बड़ा स्पेसिफिक था, जम्मू में एम्स इस्टेब्लिश करवाने, उसको हमने परस्यू किया, उसको एजिटेट किया और वह जम्मू में आया। अब इनविटेशन हमें आती है या नहीं आती है ये हमें इतनी मैटर करती नहीं। वैसे भी ये एक पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन है, अगर वो इसको अप्रोप्रिएट समझते हैं कि हमें इनवाइट करना चाहिए, ये उनका पर्सनल डिसीजन है। लेकिन अगर इनविटेशन नहीं भी आती हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। कौन जीता है, जैसा जम्मू से रिलेटेड इश्यूज पर बार बार कड़ी रही ऑर्गेनाइजेशन की कड़ी हो रही है, चाहे वो यही सब कंपोनेंट्स हैं जो एम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर भी तमाम संगठन फिर इकट्ठे हुए और जम्मू के लिए बात की, जम्मू के लिए एजिटेट किया। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक समय की ज़रूरत है कि जम्मू से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए, चर्चा के लिए, एजिटेशन करने के लिए, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए और उस इश्यूज़ को, जम्मू से रिलेटेड इश्यूज़ को पुटअप करने के लिए एक परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू से रिलेटेड बने और आवाज़ उठाए जम्मू की? देखिए, मैंने आपको पहले 2015 में भी यही बड़ा क्लियर कर दिया था, ये जो एम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ है, फॉर्मेशन हुई है, ये एक परमानेंट फीचर है, ये परमानेंट फीचर है और ये आगे भी जम्मू के मुद्दों को उठाने के लिए तैयार है और तैयार रहेगा, जिसपे हमारी चर्चा थोड़े ही दिनों में होने जा रही है पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। एम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, क्या अभी एम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी आगे कंटिन्यू करेगी या एम्स का काम शुरू होने के बाद इसको बंद कर दिया जाएगा? देखिए, नाम इसका एम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी तब पड़ा था चूंकि उस टाइम इशू जो था, डिमांड जो थी, एम्स थी। लेकिन ये एम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी परमानेंट फीचर है, कोई भी इशू जम्मू के साथ इनजस्टिस के रिलेटेड जो होगा उसको एम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी जोर शोर से जम्मू के लिए उठाएगी। उन्होंने जी बड़े सारे लोगों से हमारी बात भी हुई है, कई लोगों का कहना है कि सरकार को या इसमें एम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी को इनवाइट करना चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, अगर आपके घर में फंक्शन है तो ये आपका प्रेरोगेटिव है कि किस गेस्ट को बुलाना है, किसको नहीं बुलाना। इन्विटेशन कभी सीख नहीं की जा सकती, मांगी नहीं जाती। जो जिसके घर में फंक्शन हो, जिनका कोई ये कोई भी फंक्शन हो, चाहे किसी का पर्सनल हो, किसी की पॉलिटिकल पार्टी का हो, ये इनका पर्सनल डिसीजन होता है कि किस किस को इनवाइट करना है। मैंने आपको कहा कि अगर इनवाइट करते हैं हम जम्मू के लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं करते हैं हमें तब भी खुशी है कि जम्मू के लोगों को इंसाफ मिला, उनका हक मिला है। इसमें हमें इससे ज़्यादा कोई लेना देना है नहीं कि इन्विटेशन आती है कि नहीं आती।
ये थे हमारे साथ अभिनव शर्मा जी, जिनका कहना है कि एम्स को लेकर जो लड़ाई लड़ी गई वो जम्मू के हितों के लिए थी और एम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का मकसद जम्मू के हितों के लिए एम्स लाना था और एम्स जो है वो लाया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने जा रहे हैं। और दूसरा, जहाँ तक इन्विटेशन की बात है, ये तो हम अक्सर देखते हैं कि सरकारें, किसी भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल जो हो या सरकार हो, वो किसी दूसरे को क्रेडिट नहीं लेने देता उस एजिटेशन के लिए जिसकी जो है वो जीत हुई है, जो एम्स अभी 3 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रखने जा रहे हैं, जिसका नींव पत्थर। कैमरामैन बंटी के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा, चैनल वन के लिए इतना ही। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नमस्कार। फॉर एडवर्टाइजमेंट्स इन चैनल वन, प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन 7006444869।